दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। रिप्लाइजिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको वनस्पति शास्त्र का एक धन प्राप्ति का उपाय बता रहा हूं। देखिए, अगर जिंदगी में धन के योग नहीं बन रहे हैं, कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, तो कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं। वैसे हमारे तो ज्योतिष शास्त्र में, अंक शास्त्र में, वनस्पति शास्त्र में, समुद्र शास्त्र में धन प्राप्ति के हजारों उपाय दिए हुए हैं। बस थोड़े से विश्वास के साथ में करने की जरूरत होती है, या उस चीज की हमें जानकारी होनी चाहिए कि किस उपाय से धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपके भाग्य में पैसा लिखा है तो पैसा तो आएगा, लेकिन किस तरीके से आएगा ये चीज आपको करनी पड़ेगी ना। हो सकता है आपके भाग्य में लिखा है, कुछ उपाय करने से आपको खुद अपनी लाइफ में धन के योग बनाने पड़ेंगे, तब पैसा आएगा। किसी किसी के साथ में ऐसा होता है कि ऑलरेडी उसके पास में भाग्य में लिखा ही होता है, तो खुद चल करके, मतलब कि कहीं ना कहीं से ऐसे योग बन जाते हैं कि पैसा आता है। लेकिन किसी किसी के भाग्य में ऐसा होता है कि उसको खुद ही योग बनाने पड़ते हैं, क्योंकि कर्म एक ऐसी चीज है जिसके जरिए इंसान या तो अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है, और दुर्भाग्य को सौभाग्य में, सौभाग्य को दुर्भाग्य में। ये सब कुछ इंसान पे डिपेंड करता है, अपनी थिंक पे, अपनी सोच पे डिपेंड करता है। मैंने काफी वीडियो में आप लोग को बताया हुआ है कि स्वामी विवेकानंद खुद कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है एक दिन वो वैसा ही बन जाता है। तो देखिए, अगर आप लोग कोई चीज डिजर्व करते हैं, कोई चीज पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर उस क्वालिटी को आपको लाना पड़ेगा। आपको अपने आपको रिच समझना पड़ेगा। पैसे यदि आप जिंदगी में चाहते हैं कि धन की हमेशा बरकत रहे, पैसा कहीं ना कहीं से आता रहे, है ना, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट वैसा बनाना पड़ेगा कि आप रिच हैं। आपने देखा होगा कि एक गरीब का बच्चा जो होता है वो हमेशा गरीब ही रहेगा, क्योंकि उसको वैसा माहौल मिलता है। उसको मतलब हमेशा ये सिखाया जाता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू गरीब है, गरीब माहौल में ही रहेगा। लेकिन एक रिच जो होता है, उस रिच जो अमीर होता है, उसका बच्चा जो होता है वो अमीर ही बनता है। एक बिजनेसमैन का बच्चा आप देखेंगे वो बिजनेसमैन ही बनेगा, क्योंकि वो जैसे माहौल में रहता है वैसे माहौल, वैसे एनर्जी अट्रैक्ट करता है। तो ये जरूरी नहीं है कि गरीब का बच्चा गरीब ही बने। उसको यदि वो यदि ये सोच ले कि मैं रिच हूं, ऐसी एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा, तो रिच बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी बदलती है, है ना। तो आज मैं आपको वनस्पति शास्त्र का एक खास उपाय बता रहा हूं। अगर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, पैसा आ रहा है टिक नहीं रहा है, सेविंग्स नहीं हो रही, एक सर्कल बन गया है कि पैसा आ रहा है गलत जगह इन्वेस्टमेंट होता जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो इस सर्कल को तोड़ना है। अगर इस सेविंग्स हो घर में और मनी का फ्लो बढ़ाना चाहते हैं, तो आप दोस्तों वनस्पति शास्त्र का ये उपाय एक बार आजमा करके देख लीजिए। 100% गारंटी के साथ बोलता हूं, इसमें आपको लाभ मिलेगा। लेकिन हाँ, पॉजिटिव होकर के करेंगे, विश्वास के साथ में करेंगे। जितनी आपकी आस्था रहेगी, जितना आपका कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग रहेगा, जितना आपका बिलीव सिस्टम मजबूत रहेगा, उतना रेमेडीज वर्क करती हैं। मैं तो हर वीडियो में आप लोग को बोलता हूं कि दोस्तों मेरे उपाय यदि कर रहे हैं तो विश्वास के साथ में करिए। अगर विश्वास है तो करिए, नहीं तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए। विश्वास रहेगा तभी कोई चीज वर्क करती है, और ये मेरी रेमेडीज उन्हीं के लिए है जो विश्वास करते हैं। अगर विश्वास के साथ में करेंगे, मैं गारंटी लेता हूं 100% आपके घर में पैसा आएगा भी और टिकेगा भी। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्टेड हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय पर कुछ खास एंजल्स नंबर्स, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, कर्ज मुक्ति के उपाय, मनोकामना पूर्ति के उपाय, ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूं। तो कोई खास जानकारी जो खास दिनों में की जाती है, ऐसी कोई खास जानकारी आपसे मिस ना हो, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए। मैं कोई भी जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा, आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जो लोग भी दोस्तों मुझे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं, अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं, या बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं, या अपनी किसी भी प्रकार की समस्या, आपके घर में वास्तु अनबैलेंस है, तंत्र मंत्र किया कराया आपको ऐसा लगता है, या फिर पति पत्नी मन मन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, बच्चों से रिलेटेड कोई परेशानी है, कर्ज की समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की समस्या है, आपके बर्थ चार्ट चेक करके आपको आपकी समस्या का सटीक समाधान दिया जाएगा। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि घर का वास्तु अनबैलेंस होता है,
जिसके कारण आप उपाय करते हैं तो आपके घर की जो वास्तु की एनर्जी है वो किसी भी कार्य को सक्सेस नहीं होने देती, या फिर बर्थ चार्ट में प्रॉब्लम होती है, कोई प्लैनेट ऐसा होता है जो प्रॉब्लम कर रहा होता है तो आपको उस रेमेडी वर्क नहीं करती है, क्योंकि मेरे जो रेमेडीज होती है जनरल होती है। लेकिन आप बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या फिर आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप में जाकर के अपनी अपॉइंटमेंट चार्ज पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं या किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इस प्रयोग को आप शुक्रवार को कर सकते हैं, पूर्णिमा को, त्रयोदशी को। इसके अलावा यदि कोई शुभ नक्षत्र पड़ता है, रवि पुष्य नक्षत्र पड़ता है, पुष्य नक्षत्र पड़ता है, गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ता है, तो इनमें और ज्यादा वर्क करती है। और जैसे कि नवरात्रि, होली, दीपावली, इसमें यदि आप कर लेते हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा, है ना। तो मतलब नॉर्मली आप शुक्रवार के दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं और सोमवार को कर सकते हैं। और इसके अलावा जब भी पुष्य नक्षत्र पड़ता है, या रवि पुष्य नक्षत्र पड़ता है, या गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ता है, या फिर होली, दीपावली, नवरात्रि, इन दिनों में इस प्रयोग को एक बार फिर से दोहरा दें, क्योंकि इन दिनों में किए हुए प्रयोग दोस्तों ये क्या होती है कि महानिशा कहलाती है। ये दिन जो होते हैं बहुत ज्यादा मतलब कि किसी भी रेमेडीज को करने के लिए पावरफुल डे होते हैं, तो इसमें भी जरूर कर लें। तो आपको करना क्या है, पूर्णिमा को कर रहे हैं तो चतुर्दशी के दिन, सोमवार को कर रहे हैं तो रविवार के दिन, और शुक्रवार को कर रहे हैं तो गुरुवार के दिन में एक दिया लेकर के जाना है आपको, गोलबाती का घी का, पीले चावल ले जाना है, थोड़ा सा जल लेकर के जाना है बरगद वृक्ष के पास में। दोस्तों आपने देखा होगा कि बरगद वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित होता है, उन्हें वटकेश्वर महादेव कहा जाता है, और महादेव जो होते हैं औघड़दानी है, ठीक है। और बरगद वृक्ष में कहा जाता है शिव शक्ति का वास होता है। जो भी इस रेमेडी को करता है उसी कितना भी बड़ा कर्ज होगा, कितनी भी बड़ी धन की समस्या है, 100% उसे छुटकारा मिलेगा। तो एक दिन पहले जाकर के आपको आमंत्रण देना है बरगद वृक्ष को, वहां पर जाएं, दिया जलाएं, जल चढ़ाएं, अगरबत्ती लगाएं, ठीक है। उसके बाद में प्रार्थना करें कि हे वनस्पति राज, मेरी अमुक अमुक परेशानी है, कर्ज की समस्या है, गरीबी की समस्या है, दरिद्रता है, ठीक है, धन नहीं आ रहा है, टिक नहीं रहा है, तो इन सारी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए मैं आपके पास में आया हूं, और आपकी दिव्य चमत्कारिक जड़ को ले जाने के लिए आमंत्रण देने आया हूं। ये कह करके प्रणाम करके घर वापस आ जाएं। अब दूसरे दिन जाकर के एक सफेद कपड़ा आपको लेकर के जाना है, दिया लेकर के फिर से जाना है, ठीक है, पुष्प ले जाएं, अगरबत्ती ले जाएं, जल चढ़ा दें, दिया जला दें, उसके बाद में अगरबत्ती जला दें, फिर से प्रार्थना करें कि मैंने कल आपको आमंत्रण दिया था, आज मैं आपको लेने के लिए आया हूं। तो थोड़ी सी जो जटा होती है, ठीक है, आप थोड़ी सी जटा तोड़ करके, दोस्तों देखिए जटाएं होती हैं, और कुछ आप देखेंगे कि जो तना होता है उसमें यदि वो छाल जैसे मतलब दाढ़ी जैसे वो मिल जाए तो वो तो और भी बेस्ट है। ये जड़ जैसे तना है तो तना में थोड़ा सा कुछ निकल रहा है, अगर वो मिल जाता है तो वो ले आए, नहीं तो जटाएं होती हैं वो थोड़ी सी तोड़ करके और सफेद कपड़े में रख के और उसको फोल्ड कर लें, ठीक है। जब तोड़ेंगे तो उसको सफेद कपड़ा लेकर के जाना है, उसमें फोल्ड कर लेना है आपको, फोल्ड करके घर ले आएंगे। अब इसे अगर गंगा जल है तो गंगा जल से साफ कर लें, पंचामृत से, हल्दी वाले पानी से इसको स्वच्छ कर लें, अपने पूजा स्थान में बैठ जाएं, पूजा स्थान में बैठने के बाद में सिर में कपड़ा रखें, ठीक है, और एक घी का दिया जलाएं। अब इसमें आपको हल्दी, कुमकुम, अष्टगंध, इन सब चीज से आपको उसकी पूजा कर देनी है, अगरबत्ती घुमा देनी है, ठीक है, और 5 कौड़ियां आपको लेनी है, सफेद, पीली, लाल, जो भी मिल जाए आपको 5 कौड़ियां, ठीक है, 5, 7, 11, मतलब विषम की संख्या में 5 के ऊपर कितनी भी कौड़ियां आप ले सकते हैं, और इसमें आपको कौड़ियां रख देनी है, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, ओम नमः शिवाय या ओम रुद्र देवाय नमः या ओम रुद्र देवाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इनमें से भी किसी भी एक मंत्र का 108 बार आप जाप कर लेंगे। अब इसके बाद में आपको एक लाल कपड़ा तैयार रखना है, तो इसको जो आपने लिया सफेद कपड़ा लिया था इसको उठा करके लाल कपड़े, दोनों कपड़े कोरे ही लेना है आपको, यूज किए हुए कपड़े आप नहीं लेंगे, इसको लाल कपड़े में पलट देंगे, ठीक है, सब चीजों को रख देंगे, धूपबत्ती कर देंगे, पूजा कर देंगे, इसकी पोटली बना करके आप इसको पूजा स्थान में रख सकते हैं या अपने धन स्थान में रख सकते हैं। अगर पूजा स्थान में रख रहे हैं तो कुछ पैसे रख दें वहां पर, कुछ सिक्के रख दें और कुछ नोट रख दें, और उसके ऊपर इसको स्थापित करें, मतलब जहां भी ये रहे ये पोटली, पैसे होना वहां पर जरूरी है। और इसकी नित्य प्रति आप धूपबत्ती करिए, प्रार्थना करिए कि आपकी आर्थिक कष्ट से, आर्थिक तंगी से, कर्ज से आपको मुक्ति मिले। 11 से 21 दिन में देखेंगे दोस्तों कि मनी का फ्लो आपका कहीं ना कहीं से बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये प्रयोग उन्हीं के लिए है जो कर्म प्रधान है, जो कर्म करना जानते हैं। ऐसे लोग ना करें प्रयोग जो सोचे कि सिर्फ ये रेमेडी कर लेंगे तो उसके बाद में पैसा अपने आप आने लगेगा, उनके लिए प्रयोग नहीं है, ठीक है। आपके बड़े बड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, अगर आपकी जॉब वगैरह है, जॉब नहीं है तो जॉब मिलेगी, बिजनेस नहीं चल रहा है वो चलना शुरू होगा, व्यापार धंधा पानी जो भी है तो उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी।
ऐसे लोग ना करें इस रेमेडी को, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो सिर्फ सोच रहे हैं कि उपाय कर लेंगे घर बैठे पैसे आने लगेगा, कर्म करने पड़ेंगे, आपका भाग्य लक आपका साथ देगा, नौकरी वगैरह में प्रमोशन होगा, अगर कुछ भी नहीं है बेरोजगार है तो रोजगार मिलेगा, धन प्राप्ति के साधन ऐसे मिलेंगे जो आप कर सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको ज्यादा मतलब लाभ मिलेगा, है ना, सैलरी इंक्रीज होगी, व्यापार चलने लगेगा, ऐसे लोगों के लिए प्रयोग जो कर्म करना जानते हैं। बिना कर्म के आप सोचे कि पैसा आएगा तो वो दोस्तों उनके लिए उपाय नहीं है, पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए, ठीक है, और धन संबंधित जो भी परेशानियों की दूर होगी, साथ में दोस्तों ये आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करेगा, मतलब पॉजिटिविटी आएगी, घर में यदि ग्रह कलेश ज्यादा है, अशांति ज्यादा है, तो ये इसकी यदि आप धूप बत्ती करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर फ्लो होगी, और जब पॉजिटिविटी आएगी तो ऑटोमेटिक आपकी जिंदगी में धन पैसा आने लगेगा, क्योंकि जो भी परेशानी आती है नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण आती है, नेगेटिविटी के कारण आती है, क्योंकि ब्रह्मांड में दो ही ऊर्जा एनर्जी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, अब जो ज्यादा हो जाएगी जिसका फ्लो ज्यादा होगा तो वैसे एनर्जी क्रिएट होगी, नेगेटिविटी ज्यादा होगी मतलब परेशानी, पॉजिटिविटी ज्यादा होगी मतलब कि खुशियां आएंगी, है ना। तो पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए, कोई बात समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लीजिएगा, और वीडियो को बनाने में जानकारी आप लोग तक पहुंचाने में काफी मेहनत लगती है, तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखिएगा, और जितना हो सके दोस्तों इस जानकारी को आगे शेयर करें कि और भी लोग इस जानकारी का बेनिफिट ले सके, है ना। तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह जानकारी को शेयर करिए, आप शेयर करेंगे हो सकता है किसी को उसकी ऐसी जानकारी की नीड हो, और आपके एक शेयर से कितने लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा, कितने लोग इसका लाभ प्राप्त करेंगे, अपनी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं, तो जितना हो सके इस जानकारी को शेयर करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, जय श्री कृष्णा जय श्री काली।